टीवी एक्ट्रेस शबीर अहलूवालिया और एक्ट्रेस निहारिका राव स्टारर शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन शो में जल्द ही आने वाला है। हाल ही में खबरें सामने आई कि स्लीप के बाद शो में गुनगुन के किरदार में एक्ट्रेस सारा किलेदार एंट्री लेंगी। लेकिन आपको बता दें कि लीप के बाद टीवी के एक जाने माने बड़ा स्टार भी अहम रोल निभाता नजर आएगा और ये एक्टर है एक्टर मनीष चौरा। खबरें हैं कि लीप के बाद मनीष शो में सेकंड मेड लीड के किरदार को निभाते नजर आएंगे, जिनकी एंट्री ट्रैक में जबरदस्त तड़का लगाती नजर आएगी। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो शो में टाइम लीप आने के तुरंत बाद मनीष को एक नए किरदार में शो में पेश किया जाएगा। शो से जुड़े एक सोर्स ने बताया है कि हम अपकमिंग ट्रैक के फाइनल डिटेल पर काम कर रहे हैं और मनीष जल्द ही हमारे साथ शूटिंग शुरू करेंगे। टाइम लीप के बाद उन्हें शो की लीड हीरोइन निहारिका राव के साथ जोड़ा जाएगा। उनकी एंट्री कहानी में अनएक्सपेक्टेड मोड लाएगी। सुना आपने, यानी कि शो में मनीष का किरदार निहारिका के ऑपोजिट नजर आएगा। एक तरफ होंगे शबीर अहलूवालिया तो दूसरी तरफ होंगे मनीष सौरा, और इसका मतलब ये है कि शो में लव ट्रायंगल ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि आखिर मनीष का किरदार पूरी तरह से पॉजिटिव होगा, ग्रे शेड होगा या फिर होगा नेगेटिव रोल। खैर, मनीष का इस शो से जुड़ना फैंस को तो काफी खुश करने वाला है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद मनीष किसी शो में बड़े किरदार में नजर चुराएंगे। मनीष ने अपने एक एक किरदार से गहरी छाप छोड़ी है जनता पर, लेकिन इस बार वो किस तरह से फैंस को एंटरटेन करने वाले हैं, अब ये देखने वाली बात रहेगी। और इसी के साथ ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि लीप के बाद राधा मोहन शो की कहानी किस तरह से मोड़ लेने वाली है, किस तरह से निहारिका और शबीर का किरदार नजर आएगा, नए नए किरदार जुड़ेंगे और आखिर शो की टीआरपी क्या लीप के बाद बंपर तरीके से ऊपर जाएगी। आप लीप और मनीष की एंट्री पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।